नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। उन्होंने सदन में कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। लेकिन जानते हैं यूपी में घर दो प्रकार से गिराए जाते हैं। एक तो जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से किसी सरकारी जमीन पर घर बना लिया और दूसरा अपराधी। लेकिन आपके जहन में एक प्रश्न उठता होगा कि क्या यह संविधान का अतिक्रमण है, संविधान का उल्लंघन है? क्योंकि संविधान ने हमें राइट्स कुछ दिए हैं जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। संविधान ने हमें अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति अर्जित करने का एक विधिक अधिकार दिया गया है। अगर उस विधिक अधिकार के तहत हमने संपत्ति अर्जित की, घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, उसे गिरा देना कहां तक उचित है? तो आपके लिए यह जानना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के कानून हैं। एक अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 है, दूसरा गैंगस्टर एक्ट 2021 है जो उत्तर प्रदेश में लागू है। तो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट जो एक्ट की जो सेक्शन 27 है, यह प्रशासन को अनुमति देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से बिना सरकार की मंजूरी यानी उस प्राधिकरण की बिना मंजूरी लिए किसी ग्राम समाज की भूमि पर, किसी सरकारी भूमि पर, किसी के भूमि पर कब्जा करके मकान बनाया है, तो प्रशासन उस मकान को जमींदोज कर सकता है, उसे गिरा देगा, उसे एक नोटिस भेजेगा और इस नोटिस में 15 से 40 दिन के भीतर उसे जो है मकान को गिरा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपका मकान यह इलीगल है, सरकारी भूमि पर है। लेकिन उस व्यक्ति के पास क्या कुछ राइट नहीं है जिसका मकान गिर रहा है? तो आपका आंसर होगा हाँ, वह उसके प्राधिकरण में अपील कर सकता है। उस अपील को सुनने के बाद अधिकारी उसमें बदलाव कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है, यानी कि उसे वो साक्ष्य देना पड़ेगा जिस साक्ष्य के आधार पर उसका घर गिराया जा रहा है। दूसरा, अपराधियों पर जो कहर टूटा है बुलडोजर का, वो किस आधार पर है? तो आपको यह जानना चाहिए कि यूपी में गैंगस्टर एक्ट 2021 लागू है जो पूर्व के गैंगस्टर एक्ट में संशोधन करके लाया गया है। इसके नियम और कड़े कर दिए गए। इस नियम में सामूहिक रेप जिसे सेक्शन 376 कहते हैं, मर्डर जिसे आप 302 कहते हैं, 395 लूट, 396 डकैती इत्यादि के आधार पर किसी अपराधी पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है। और गैंगस्टर एक्ट की जो सेक्शन 14 है वह स्पष्ट कहता है कि अवैध रूप से आपराधिक गतिविधि के तहत जितनी भी संपत्ति का अर्जित उस व्यक्ति ने किया है, उस अर्जन जितना आपने किया है, आपकी संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी या आपकी संपत्ति को जमींदोज कर दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि गैंगस्टर एक्ट न लगने के बावजूद भी लोगों के घर गिरा दिए गए आपराधिक मामलों में। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अपराधी जो अपराध किया है वह लगातार फरार है, उसका वारंट जारी हो रहा है, वह अपने को समक्ष अधिकारी के सामने पेश नहीं कर रहा है, तो उस आधार पर भी उसकी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है और उसको जमींदोज किया जा सकता है। इस आधार पर यह कहना कि जो बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही है वह संविधान के खिलाफ है, तो ऐसा जो विद्वान लोग हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनका मानना नहीं।